क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने सहजनवा थाना क्षेत्र के चडराव गांव में 3 वर्ष पूर्व आसनाई के चक्कर में हुई हत्या के मामले में एक महिला समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। बृहस्पतिवार को घटना का खुलासा करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सहजनवा थाना क्षेत्र के चडराव गांव में 3 मार्च 2018 को आसनाई के चक्कर में पड़ोसियों द्वारा निर्मम हत्या की गई थी। हत्या के मामले में मृतक के भाई अजीत सिंह पुत्र बाल गोविंद सिंह द्वारा अपने मुकदमे की लगातार पैरवी करने के दौरान विवेचना में नामजद आरोपियों की नामजदगी गलत पाई गई है। विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर सर्विलांस टीम की मदद से उक्त मुकदमे में आशनाई का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, ये आज एक थाना सहजनवा संबंधित एक हत्या के अनावरण से संबंधित का मामला है। फिलहाल उसमें ये वर्ष 2018 का मुकदमा है और ये होली के दिन, जिस दिन होली थी, होली का दिन बीत गया, बीतने फिर रात में ये घटना हुई है, इसलिए और ये फिलहाल समझिए 2.5 साल का समय हो गया है। तो एक चुनौतीपूर्ण विवेचना थी, हम लोग फिलहाल ये घटना का अनावरण किए हैं, लेकिन इसमें 3 लोग नामजद थे, 3 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन उनकी नामजदगी गलत थी। जो नामजदगी पहले की गई थी वो पहले कुछ घटनाएं दोनों परिवारों में, एक शुक्ला परिवार जिनको नामजद किया गया था और एक जो वादी पक्ष हैं, इन दोनों लोग विगत में मरे हैं, मतलब घटनाएं उनके साथ हुई हैं और इनकी वैमनस्यता चली आ रही थी, उसी कारण इनको नामजद किया गया था। और घटना से इसमें फिलहाल एक आसनाई से संबंधित मामला है। वादी भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसका सहयोग रहा है। वादी के जो पिताजी हैं वादी के पिताजी इसमें ये बाल गोविंद अभी भी जेल में हैं। फिलहाल जो शुक्ला परिवार जिनको नामित किया गया था वो सब 307 का मुकदमा लिखवाए थे, तो 300 के मुकदमे में बाल गोविंद फिलहाल विगत 3 वर्ष से वो जेल में हैं। और ये तो मैंने अब बताया कि किन पृष्ठभूमि में ये गलत नामजदगी की गई थी। तो वादी के पिताजी जो जेल में हैं, वादी का ये छोटा भाई था, ये जो मंजीत है उसकी हत्या हुई थी, वादी अजीत है, दोनों के बीच में 2 साल का अंतर था। वो उसमें वादी की उम्र 24 साल थी, मृतक की उम्र कुछ 22 साल की थी। तो गांव के ही एक लड़की से उसका एक प्रसंग था, उसी प्रसंग में ही एक घटना हुई है और इसमें बहुत ढेर सारे सरकमस्टेंशियल बहुत उल्लेखनीय चीज़ें हैं। खासतौर से होली के दिन देखा जाए तो लोग होली के थकान के कारण काफ़ी थके मादे रहते हैं, सो भी जाते हैं, लेकिन रात के अगर 1:30 बजे सहजनवा गांव से फ़ोन दिल्ली जा रहा, दिल्ली से फिर फ़ोन वो गांव में आ रहा है, फिर सहजनवा गांव से ये लड़की के जो पिताजी उसमें मुंबई में थे उनके पास फ़ोन जा रहा है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, सरकमस्टेंसेस जो परिस्थितिजन साक्ष्य थे। तो इसमें एक परिवार है, घटनास्थल से 100-150 मीटर की दूरी पर ही है। घटना क्षेत्र है, जो नामजद हैं वो भी और जो जिनका नाम प्रकाश में आया है, सब 200 मीटर के दायरे में पूरा घटना क्षेत्र है। मुख्य आरोपी मैं बता रहा हूँ, उसमें मुख्य आरोपी ये जो 5 भाइयों का परिवार है, एक राम सागर करके हैं, राम सागर बड़े भाई हैं, अनिल 2nd नंबर के भाई हैं, 3rd नंबर के भाई जयसिंह हैं, 4th नंबर के विनोद हैं और 5वें नंबर के पवन हैं। ये 5 भाई हैं। तो इसमें जो सबसे बड़े भाई हैं राम सागर, उनका नाम प्रकाश में आया है, विनोद का नाम प्रकाश में आया है, पवन का नाम प्रकाश में आया है, ये 3 हो गए। और इनके 2 लड़कों का नाम प्रकाश आया है राम सागर के, 3, 2, 5 हो गए। राम सागर की वाइफ का नाम प्रकाश में आया है और एक और हैं उनके जो 2nd नंबर के भाई हैं अनिल, उनके बेटे का नाम प्रकाश में आया है। तो काफ़ी प्रयास के बाद बता रहे हैं, काफ़ी प्रयास के बाद आज ये 6 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो पाई है। अभी एक ही गिरफ्तारी शेष है।
यही है। किस तरह हत्या की गई थी? नहीं, यहाँ जो बात अभी सामने आया है, जो बातें भली भांति, मतलब ये पहले भी काफ़ी आई, उसमें रहे, मैं भी मौके पर दो बार गया हूँ, बहुत पहले गया हूँ। घटना की रात ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, ये लड़का लड़की के घर पहुँचता है और ये कमरे में भी पहुँचता है। कमरे में फिलहाल अब ये नाम लेना उचित नहीं है, लड़की का मामला है। उसके दो छोटे भाई भी होते हैं उस कमरे में, उसकी माँ भी होती है। फिर मृतक जो था अजीत वादी हैं, उसके हाथ में इसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था और होली के अगले दिन उसको प्लास्टर का कटवाना था, एक महीने से उसका प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो रात में भाई दो छोटे लड़कों ने भी कहा कि लुलुआ आया था। रात में उस कमरे में गए, ये होली था 2 मार्च 2018 को होली थी और 2 और 3 मार्च की घटना है। घटना रात के समय लगभग 1:30 बजे की घटना है। तो फिर उसको पीछा करते हुए लड़कों ने पहचाना, चूँकि अंधेरा था ही, लेकिन प्लास्टर चढ़े होने के कारण कुछ उसकी चमक रही होगी और बच्चों ने पहचाना। फिर अपना घर के अंदर से वो किसी तरह से बहुत दीवार कूदते हुए, दीवार काफ़ी ऊंचाई थी, उसको कूद करके अपने घर पे भागा। वहाँ उसकी घर वहाँ से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी रही, 100-150 मीटर की दूरी थी। फिर पूरा परिवार जिनका जिनका नाम बताएं सब कुछ पीछा करते हुए वहाँ गए, लेकिन वहाँ कुछ अंधेरे का फ़ायदा मिलते हुए फिर वो छुप गया था। फिर वो सब वापस आए, फिर एक परिवार का एक लड़का था, उसने कहा लुलुआ छत पे है दिखाई देगा। फिर क्या बोलते हैं, पूरा परिवार वहाँ पर भी पहुँचा और फिर वहीं जहाँ पर एक घटनास्थल है, एक उनके चाचा भी हैं, दयाराम, मृतक के चाचा दयाराम जो सेकंड नंबर के भाई हैं, बाल गोविंद इसमें जेल में है सेकंड नंबर वाले, जस्ट वहीं घटनास्थल में से सटा हुआ उनका घर है। और ये छोटे वाले भाई हैं लायक सिंह, वो दिल्ली में रहते हैं। तो राम सागर जो सबसे बड़े भाई हैं, जिनके घर की लड़की है, वो दिल्ली फ़ोन करते हैं सबसे छोटे मृतक के सबसे छोटे चाचा के, उनके घटना से पहले कि लुलु, मतलब जो जानकारी मिली है कि मतलब वो आज वो दिखाई पड़ रहा है ऐसा ऐसा, मतलब शिकायत के तर्ज पे। फिर वो वहाँ से फिर अपना अपने बड़े भाई जो सेकंड नंबर भाई, उनको फ़ोन करते हैं। फिर उसी के कालांतर में ही, बस आधे घंटे में ही सभी पूरी घटना होती है।